ओला इलेक्ट्रिक स्कूटर्स के ऑनलाइन बुकिंग रिलेटेड एक बहुत ही बड़ा स्कैम सामने आया है और इस स्कैम में अभी तक 1000 लोग फंस चुके हैं। तो ऐसे में अगर आपने भी एक ओला स्कूटर बुक करी है या फिर करने वाले हो तो इस वीडियो को एंड तक देखिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए ताकि आपके साथ भी ये स्कैम ना हो। तो जैसे कि हम सभी को पता है, ओला की इलेक्ट्रिक स्कूटर अगर हमें बाय करनी हो तो उसके लिए हमें 500 रुपीज देकर उसे बुक करना होता है ओला इलेक्ट्रिक वेबसाइट पे जाके। और जब ओला इलेक्ट्रिक की तरफ से हमें मैसेज या फिर ईमेल आता है कि आपके गाड़ी की डिलीवरी होने वाली है तो उस टाइम पे हमें रिमेनिंग अमाउंट गाड़ी का पे करना होता है और उसी के बाद ही हमें ओला इलेक्ट्रिक स्कूटर की डिलीवरी जो है मिल पाती है। तो इसी बात का यूज इन स्कैमर्स ने करा है। इन्होंने एक फेक ओला की वेबसाइट क्रिएट करी है जहाँ पर आपको सेम रियल वेबसाइट जैसे ही 500 रुपीज देकर ओला की कौन सी भी स्कूटर को बुक करना होता है। और जैसे ही आप बुक करते हो तो इनकी तरफ से आपको एक कॉल आता है और ये ऐसे दिखाते हैं कि ये ओला के ही इम्प्लॉयज है और ये आपको बता रहे होते हैं कि आपकी गाड़ी की डिलीवरी इस टाइम पे होने वाली है तो डिलीवरी से पहले आपको इतना इतना अमाउंट आपको ओला इलेक्ट्रिक को पे करना होगा। और जैसे ही आप इनके बात को मान के बाकी की रिमेनिंग सारी अमाउंट पे कर देते हो तो उसके बाद ये आपका कोई भी फोन नहीं उठाएंगे, आपका किसी भी मैसेज का रिप्लाई नहीं देंगे और ऐसे कुछ आपके साथ ये स्कैम हो जाता है। और इन स्कैमर्स ने अभी तक ऐसे ही टोटल 1000 लोगों को स्कैम करा है ऑल ओवर इंडिया में। और अगर हम बात करेंगे कि ये स्कैम सामने आया कैसे, तो किसी कस्टमर ने इस वेबसाइट के थ्रू अपनी एक ओला स्कूटर बुक करी थी और फुल पेमेंट भी कर दी थी, पर जब उन्हें उनकी एस्टिमेटेड डेट पे गाड़ी की डिलीवरी नहीं मिली तो उन्होंने ओला इलेक्ट्रिक को कॉल और मैसेज करे, पर बहुत दिन होने के बाद भी सामने से कोई भी रिप्लाई नहीं आ रहा था। तो उन्होंने दिल्ली साइबर पुलिस में एक FIR रजिस्टर करी और उसके बाद दिल्ली पुलिस ने 20 आरोपियों को पकड़ा है जो कि इस स्कैम में इन्वॉल्व थे। तो ऐसे में अगर आप भी ओला की इलेक्ट्रिक स्कूटर लेना चाहते हो तो मेरे अकॉर्डिंग तो आपको ओला के फिजिकल शोरूम पे जाके ही स्कूटर अब खरीदनी चाहिए, क्योंकि इनके बहुत सारे सिटीज में अब फिजिकल शोरूम जो है ओपन हो चुके हैं। पर जो भी कोई लोग स्मॉल सिटीज से या फिर गांव से हो और उन लोगों को ये इलेक्ट्रिक स्कूटर अगर खरीदना हो तो ऐसे में ये ध्यान रखिए कि जो भी कोई वेबसाइट्स रियल होती है उनके सामने HTTPS लगा होता है, पर कोई भी वेबसाइट अगर फेक होती है तो उसके सामने सिर्फ HTTP लगा होता है, S वहाँ पे नहीं होता है। तो जब भी आप किसी वेबसाइट पे जाते हो तो वहाँ पर HTTPS है या फिर S नहीं है तो उसका आपको ध्यान रखना चाहिए। जिस भी वेबसाइट पे सिर्फ HTTP होता है वहाँ तो आपको बिल्कुल भी जाना नहीं चाहिए। तो बस इतना ही था आज की इस वीडियो में। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को प्लीज लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करिए। वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच।